नमस्कार दोस्तों, वीडियो देखने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी दबा लीजिए। डेस्क नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई को एक याचिका के आधार पर नोटिस जारी किया है। इस याचिका में दावा किया गया था कि गूगल का मोबाइल भुगतान ऐप जीपे बिना अनुमति के भारत में काम कर रहा है। याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि गूगल पे मोबाइल एप्लीकेशन पेमेंट्स एंड सेटलमेंट्स एक्ट का उल्लंघन कर रहा है। याचिकाकर्ता अभिजीत मिश्रा ने कहा कि यह सेवा 20 मार्च को जारी आरबीआई के अधिकृत पेमेंट सिस्टम ऑपरेटरों में सूचीबद्ध नहीं है। चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन और जस्टिस एजे भंभानी की बेंच ने बैंक और गूगल इंडिया से याचिका का जवाब देने के लिए कहा है। मिश्रा ने अदालत को बताया कि वह भारतीय आर्थिक और बैंकिंग प्रणाली के कल्याण के साथ साथ ऐप के उपयोगकर्ताओं की गोपनीयता के बारे में चिंतित हैं। याचिका में कहा गया है, इस ऐप की आधार परमानेंट अकाउंट नंबर और लेन देन जैसी निजी जानकारी तक अनाधिकृत पहुंच है। बता दें कि गूगल ने साल 2017 में मोबाइल पेमेंट सेगमेंट के मार्केट में एंट्री की थी और गूगल देश के नाम से एक ऐप लॉन्च किया था, जिसका नाम बाद में बदलकर गूगल पे कर दिया गया। इस ऐप की मदद से आप अपने बैंक खाते को जोड़कर लेन देन कर सकते हैं। इस ऐप की मदद से बिजली बिल का भुगतान, मोबाइल रिचार्ज और अन्य कई तरह के पेमेंट किए जा सकते हैं। गूगल पे पर बीपिन की मदद से पेमेंट प्रोसेस पूरी होती है। ये ऐप एंड्रॉइड लॉलीपॉप या फिर iOS 10 या उससे टॉप के वर्जन पर चलता है।